हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्रोवाइडर में। दोस्तों, कल जो है साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो थे तकनीकी खराबी के कारण जो है अधूरे रह गए थे, आज उन्हें क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फिर कल से जो है नया सेट आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य अनुकूलन या संलक्षण या GAS के चरण नहीं है? ऑप्शन ए है चेतावनी, बी प्रतिरोध, सी सहनशीलता और डी परिशांति। तो अपना जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सहनशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्सटन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी 7। कितने होते हैं थर्सटन के अनुसार बुद्धि में प्राथमिक मानसिक योग्यताएं? 7। चलिए 15, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का सन प्रत्यय दिया है? ठीक है, तो असन प्रत्यय का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अटूट विश्वास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फ्रायड, बी मेकिनले और सी रोजर्स और डी एडरल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी रोजर्स। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बुलुमिया विकार है? ठीक है, बुलुमिया विकार जो है भोजन संबंधी विकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये पिछले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनोग्रसितता। ठीक है, बार बार जो है मनोग्रसित व्याधता जो है बार बार दोहराने की जो प्रक्रिया है किसी चीज़ को, जिसको तकिया कलाम बोलते हैं कि ये चीज़ बार बार आ रहा है, उसी को मनोग्रसित व्याधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए यूंग से, बी फ्रायड से, सी मेसेलो से और डी एडरल से। तो अब मेरा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी एडरल से, सॉरी माफ़ कीजिए, फ्रायड से। ठीक है, एडरल भी थे उसमें लेकिन फ्रायड के को ही जो है चिकित्सा के लिए जाना जाता है। चलिए 19, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया था? तो सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को जो प्रतिपादित करने वाले थे वो थे अपने रोजर्स साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि का नाम समृद्ध है? ऑप्शन ए परामर्श से, बी मनोचिकित्सा से, सी योग से और डी स्वप्न विश्लेषण से। तो हमेशा याद रखिए बाबा रामदेव योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है, बी मनोवृत्ति अर्जित होती है, सी मनोवृत्ति जन्मजात होती है, डी मनोवृत्ति और भावना एक समान होती है। तो यहाँ मैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनोवृत्ति अर्जित होती है। ठीक है, ये जो है अर्जित होती है। चलिए किस चीज़ पे अर्जित होती है, हमारे समाज का परिवेश हो गया, माता पिता के रहने का ढंग हो गया। ठीक है, इससे जो है मनोवृत्ति बनती है। चलिए पूर्वाग्रह के घटकों में घटकों की संख्या क्या होती है? तो चलिए पूर्वाग्रह के जो घटक होते हैं इसमें, इसको जो, ठीक है दोस्त, इसको देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन 3 दे रहा है। ठीक है, मैं 7 जानता हूँ। ठीक है, और कुछ जगह पे 5 भी लिख रहा है, तो देख लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं उसे 7 जानता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोवृत्ति के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक के भूमिका पर बल दिया गया है। ए बांडुरा, बी मिड एवं बेनेडिक्ट, सी सिन्हा, डी इंसको एवं नेस्लन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी मिंड एवं बेनेडिक्ट। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, मनोवृत्ति का निर्माण पर सांस्कृतिक कारक जो है मिंड एवं बेनेडिक्ट जो है इस भूमिका पर बल दिए हैं। चलिए 24 में, परिवार एक समूह है, परिवार ए प्राथमिक, बी संदर्भ, सी द्वितीयक और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए ए जो है यहाँ पे परिवार कैसा समूह है, प्राथमिक समूह है। ठीक है, चलिए समूह को प्राथमिक और द्वितीय भागों में किसने बांटा था? तो ये जो है ऑप्शन दे रहा है, ए मेकाइवर ने, बी कुले ने, सी मिड ने और डी WG सनमर ने। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा कुले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर है,
दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना सही ऑप्शन क्या है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत जो है दो व्यक्तियों के समूह को कहाँ रखा जाता है, प्राथमिक समूह में रखा जाता है। चलिए 27 मार्क नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के प्राथमिक किसी व्यक्ति माफ कीजिएगा किसी व्यक्ति के उपस्थिति में कोई कोई विशेष लगता है, दिमाग कहीं और चल रहा है, किसी व्यक्ति के उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है। ए सामाजिक सुकरीकरण, बी सामाजिक शर्मावनयन, और सी है परोपकारिता, और डी आज्ञा पालन। तो ये तो नहीं होगा, सामाजिक सुस्वीकरण ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सकारात्मक कौशल एक प्रक्रिया है, ए मुखोन्मुख, ठीक है जो वार्तालाप, ठीक है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और बी दूरभाष वार्तालाप कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन, प्रश्नावली भरना, ठीक है किसी सवाल का जो है जवाब देना, और डी अनुसूची की प्रक्रिया। तो यहाँ जो है साक्षात्कार जो है उन फेस टू फेस होता है, ठीक है जो साक्षात्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के संबंध में कौन कौन सही है, ए सतत संचार सतत होता है, बी संचार गत्यात्मक होता है, सी संचार का स्वरूप पलटावी होता है, डी संचार का स्वरूप अंतर सक्रिय होता है। तो यहाँ पे अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संचार का जो रूप है वो पलटावी होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन प्रेक्षण कौशल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए धैर्यपूर्वक परीक्षण करना, बी धैर्यपूर्वक परीक्षण करना, अच्छा यहाँ प्रेक्षण करना है, यहाँ परीक्षण करना है, ठीक है, और सी नैतिकता का पालन करना, और डी सहानुभूति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन, समानुभूति जो है ये हो जाएगा। ठीक है, समानुभूति जो है प्रेक्षण कौशल से जो है संबंधित नहीं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तो समानुभूति किस चीज़ के लिए संबंधित है पता है, किसी आईने कोई व्यक्ति आईना देख रहा है और हम भी पीछे से झांकते हैं, ठीक है तो ये जो है समानुभूति की प्रक्रिया होती है। चलिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से साक्षात्कार की कौन अवस्था नहीं है, ए प्रारंभिक तैयारी, बी प्रश्नोत्तर काल, सी समापन की अवस्थाएं, डी संबंध बनाने की अवस्थाएं। ठीक है, तो साक्षात्कार में जो है संबंध बनाने की अवस्था जो है साक्षात्कार के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकता तथा पर्यावरण को जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ए विचार, बी मस्तिष्क, सी अनुभव, डी इनमें से नहीं डी क्या डी है बुद्धि। चलिए तो ऑप्शन अपना सही क्या हो जाएगा, डी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आप वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, ए भौतिक दबाव, बी पर्यावरणीय दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, और जो मन में उत्पन्न होता है वो मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का घटक नहीं है, ए भूमिका, बी प्रतिमान, सी प्रतिष्ठा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ क्या है, समूह की संरचना प्रतिमान नहीं होगा, भूमिका भी नहीं होगा, समूह संरचना के लिए क्या घटक आवश्यक नहीं है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा भी हो सकता है लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डी, इसको देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोचिकित्सा का प्रकार है, ए मनोज्ञात्मक चिकित्सा, मनोज्ञात्मक चिकित्सा, और यहाँ बी है व्यवहार चिकित्सा, सी अस्तित्व परक चिकित्सा, और उपरोक्त में से सभी, तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अंतर्गत सभी आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।